हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द नेशन स्टेट सिस्टम, और आज हम नेशन स्टेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने जो है वो स्टेट को समझा, और आज हम देखेंगे कि नेशन क्या है और नेशन स्टेट सिस्टम का क्या मतलब है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो आज हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो आइए अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम नेशन को डिफाइन करें तो नेशन जो है इन अ ब्रॉडर सेंस हम नेशन को कहेंगे कि अ कल्चरली डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल विद अ शेयर्ड पास्ट एंड अ कॉमन फ्यूचर, ठीक है। एंड इसका क्या मतलब हो गया कि जिसमें आपके पास जो है वो इंटरेस्ट आ जाते हैं, इंटरनेशनल हैबिट्स आ जाती हैं, कस्टम्स आ जाते हैं, ओल्ड ट्रेडिशंस आ जाते हैं। जिसको फर्दर हम ट्रांसलेट करें तो हमें पता चलता है कि हु रिलेट टू अ टेरिटरी एंड हैव पॉलिटिकल गोल्स। तो नेशन जो है, नेशन किसका कॉम्बिनेशन है या नेशन किसकी कंपोजिशन है? नेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ या डिफरेंट फैक्टर्स जिसमें आपके पास जो है वो इंटरेस्ट है, हैबिट्स होती हैं, वे ऑफ थिंकिंग है, लैंग्वेज आ जाता है, एंड जिसको हम फर्दर रिलेट किया जाते हैं कि स्पेसिफिक टेरिटरी के साथ, और वहाँ पर जो लोग उस डिफाइंड टेरिटरी में रहते हैं एज अ नेशन, तो उनके कुछ पोलिटिकल गोल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली नेशन की डेफिनेशन है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक टेरिटरी, राइट। अब जाहिरी बात है कि नेशन जो है उसकी टेरिटरी, विदाउट नेशन टेरिटरी आप कॉन्सेप्ट जो विदाउट टेरिटरी नेशन का कॉन्सेप्ट हम नहीं ले सकते, ठीक है। विदाउट टेरिटरी नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, राइट। क्योंकि आप ये देखिए कि बहुत सी जगहों पर हमें स्टिल ऐसी जो है कम्युनिटीज़ मिलती हैं कि जहाँ पर आपको पीपल आर लिविंग देयर, लेकिन उनके पास कोई स्पेसिफिक स्टेट नहीं है, स्पेसिफिक टेरिटरी नहीं है। तो जब उनसे पूछा जाता है कि आप जो है किस स्टेट को बिलोंग करते हो, तो वो ये कहते हैं कि हमारी कोई जो है वो स्टेट तो नहीं है, लेकिन हम फ्रॉम आवर डिसेंडेंट्स, हम अपने बावजदाद से इसी एरिया में लोकेट हैं, और यहीं पर फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स या डेकेड्स या दहाइयों से हम इस स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। और हमने देखा कि फॉर एग्जांपल आप मिडिल ईस्ट में चले जाओ, तो मिडिल ईस्ट में आपके पास डिफरेंट रीजन्स हैं। उसमें एक रीजन जो है आपको मेसोपोटामिया का रीजन मिलेगा, जो जिसको हम कहते हैं द लैंड ऑफ टू रिवर्स, ठीक है, दरियाए दजला और दरिया फरात, टिग्रस एंड यूफ्रेट्स, दो दरिया जो हैं ये हमें इस्लामी तारीख में भी इनके नाम मिलते हैं कि मेसोपोटामियन रीजन जो है यहाँ पर लोग रह रहे हैं, कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो कि रह रही हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने एक और नाम सुना होगा कुर्द्स का, ठीक है। कुर्द कम्युनिटी जो है ये भी काफ़ी अरसे से जो है ये लोकेट है, इस रीजन में भी आपको मिलेगी, आपको सीरियन रीजन में भी मिलेगी। तो जब उनसे पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि हमारा कोई इस तरह ऐसा मुल्क नहीं है, लेकिन हम जो है फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स अपनी जो हैबिट्स और प्रैक्टिसेस हैं उसको हम यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, और हम उन्हीं उसूलों के तहत जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि नेशन, जब आप डिफाइन करोगे नेशन को, तो हम ये कह सकते हैं कि नेशन इज सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल या ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ कम्युनिटी बाय हैविंग देयर कॉमन वैल्यूज, इंटरेस्ट, हैबिट्स, थिंकिंग, लैंग्वेज, एंड विच वी कैन रिलेट इट टूवर्ड्स अ टेरिटरी, स्पेसिफिक टेरिटरी, एंड हैविंग स्पेसिफिक पोलिटिकल गोल्स। जाहिरी बात है जब आपके पास टेरिटरी होती है, जब आपके पास नेशन होती है, नेशन में डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है, और वो कम्युनिटीज़ जो हैं दे हैव बीन रूल्ड बाय देयर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी वहाँ पर होती है, तो पॉलिटिकल गोल्स भी वहाँ पर अचीव हो रहे होते हैं, ठीक है। ओके, फर्दर पीपल कंस्ट्रक्ट नेशंस टू मेक सेंस ऑफ देमसेल्फ। अब नेशन को इसीलिए बनाया जाता है ताकि जो है वो, या लोग जो हैं वो अपने आप कंस्ट्रक्ट इसीलिए करते हैं, या नेशन इसीलिए कंस्ट्रक्ट की जाती है ताकि वो अपने आप को क्रिएट करें, मींस कि अपने वैल्यूज़ को क्रिएट करें, अपने डिज़ायर्स को क्रिएट करें, अपनी जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको क्रिएट करें, ठीक है, और उसके तहत जो है वो एक आइडेंटिटी उनको मिलती है जो कि पूरी दुनिया में उनको जो है वो रिप्रेजेंट करती है। फिर आपकी नेशन में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हम कहते हैं इमेजिन्ड पीपल, ठीक है। इमेजिन्ड पीपल
जिसको हम या कम्युनिटीज कह लें, इन अदर वर्ड्स हम इसको कह लेंगे कि वो लोग जिनसे आप जो है ना कभी मिले ही नहीं होते, ठीक है, यू नेवर मीट ऑल द पीपल इन योर नेशन। देखिए एक और दूसरी तरफ कुछ कम्युनिटीज होती हैं जिसको यू सी योर सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ इट। बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज होती हैं, ऐसे तबकात होते हैं कि जिनके साथ आपका इंटरेक्शन नहीं हुआ होता। फॉर एग्जांपल आप एक एरिया में रह रहे हैं, एक ही कम्युनिटी है आपकी, पाकिस्तानी कम्युनिटी फॉर एग्जांपल हम कह लें, या जो है ब्रिटिशर कम्युनिटी कह लें, ब्रिटिश पीपल कह लें, तो पूरे आपके ब्रिटिश या पाकिस्तान में आप देख लीजिए तो वहाँ पर आपको डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ दे आर लिविंग, वो रह रहे हैं एंड वो अपने जो है पुरानी रिवायात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब एक नेशन की बात की जाती है तो नेशन को हम इस तरह के डिफाइन करते हैं कि बहुत से उसी नेशन के अंदर आप बहुत से लोगों से आपकी मुलाकात ही नहीं होती होती या आप कभी मिले नहीं होते, ठीक है, राइट। ऑन द अदर साइड आप अपने आप को एक कम्युनिटी का हिस्सा भी समझते हैं, ठीक है, तो मीन्स कि कम्युनिटी का हिस्सा होते हुए आप कोशिश करते हैं कि उन तमाम लोगों से भी आप मिलें जो कि डिफरेंट जगहों पर इस वक्त रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आप देख लीजिए तो आप अगर जो है वो पंजाब में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, बहुत सी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो कि दे आर रेस्टिंग इन गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर रह रही हैं, राइट। तो हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आज तक हज़ारा डिवीजन नहीं गए होंगे ऐसे एरियाज़ में। तो जब आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जाते हो, इंटरेक्शन होती है, मिलते हो, फिर वो आपके साथ शेयर करते हैं अपने कॉमन वैल्यूज़ को, तो फिर हमें पता चलता है फर्दर नेशन का जो आपको एक इसकी डेफिनेशन मिलती है तो वो इन्हांस डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो उसमें हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो शामिल कर लेते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है कि नेशन स्टेट सिस्टम को समझा जाए। नेशन की हमने बात कर ली, स्टेट की हमने ऑलरेडी बात की, तो जब नेशन एंड स्टेट व्हेन दीज टू कंबाइन टुगेदर देन दे फॉर्म अ सिस्टम, ठीक है। जब ये जो है वो दोनों जो हैं वो एक साथ आ जाते हैं तो फिर एक सिस्टम फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल एक एक आपके पास कंट्री है तो कंट्री में आपके पास नेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है, सोसाइटीज़ होती हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं, और उसमें स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो जाहिर बात है कि जहाँ पर नेशन होगी तो वहाँ पर आपके जो है स्टेट का कॉन्सेप्ट भी आएगा, राइट। और जहाँ पर क्योंकि स्टेट में ही नेशन रह रही होती है, और जब आप नेशन स्टेट को देखें तो फिर आपको एक सिस्टम चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू विच आप अपने जो जो अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो आपकी सोशल एक्टिविटीज़ हों, राइट, उनको रेगुलेट कर सकें, तो इसको कहा जाता है नेशन स्टेट सिस्टम। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि नेशन स्टेट सिस्टम बना कब और ये कब इमर्ज हुआ। देखिए वन स्टेट फॉर वन नेशन, तारीख में हम पढ़े तो तारीख हमें बताती है कि वन स्टेट फॉर वन नेशन, कि एक स्टेट के लिए एक नेशन चाहिए होती है, कम से कम एक नेशन तो हो, ठीक है, कोई एक जो है कौम तो हो सामने, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि जिस तरह ऊपर मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि जहाँ पर स्टेट आएगी तो स्टेट का कॉन्सेप्ट आप तभी अंडरस्टैंड कर सकते हो जब उसमें नेशन होगी, ठीक है। हम वी कैन नॉट इमेजिन स्टेट विदाउट नेशन, ठीक है। हाँ, नेशन विदाउट स्टेट हो सकता है समटाइम्स, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक, जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी कि एक कुछ लोग रह रहे होते हैं, उनके पास जगह नहीं होती, उनके पास कोई डिफाइंड टेरिटरी नहीं होती, मींस कि स्टेट नहीं होती, लेकिन स्टेट कैन नॉट बी इमेजिन्ड विदाउट अ नेशन। स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा विदाउट नेशन, राइट। लेकिन नेशन के विदाउट विदाउट नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, लेकिन जो है फॉर एग्जाम्पल नेशन जो है वो स्टेट के बगैर रह सकती है और स्टेट जो है वो नेशन के बगैर गुजारा नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यूरोपियन हिस्ट्री में 30 ईयर्स ऑफ वॉर हुई, जिसको हम पहले बेलेजियन वॉर भी कहते हैं, और जो है ये 1618 टिल 1648, और ये 30 साला जंग जो है इसका खात्मा हुआ यूरोप में। और जब इसका खात्मा हुआ तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, वेरी जिसे आप कहते हैं इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है इन दी हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और बेसिकली इस ट्रीटी का होना इस वजह से भी ज़रूरी था क्योंकि इसी ट्रीटी में जो है वो चर्च को और स्टेट को सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है, जिसमें मॉर्गनथाउ का भी नाम आता है कि उसने जो रियलिस्ट था और इस जो है वो कॉन्सेप्ट को, इसलिए भी इसकी इमर्जेंस हुई
क्योंकि इससे पहले ये जो 30 साल जंग हुई उसमें जो है मींस के चर्च चर्च आप इसको इस तरह ले लीजिए, आपका रिलीजन और आपकी स्टेट, तो जहां पर जो है वो पॉलिटिक्स और आपका रिलीजन एक साथ कंबाइन होगा तो उस माशरे में उस कम्युनिटी में जो है वो डिस्ट्रक्शन होती है फिर, ठीक है। उसमें जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है ओपिनियंस आते हैं, और जहां पर ये मिक्सचर होगा रिलीजन का और आपके पॉलिटिक्स का, तो वहां पर जो है वो डिस्ट्रक्शन आती है, जो कि हमने 30 साल पेलोपोनेसियन वॉर में देखा, ठीक है। जो कि सिटी ग्रीक सिटी स्टेट्स थी, छोटी छोटी स्टेट्स बनी हुई थी, एंड दे वर फाइटिंग विद ईच अदर ऑन द नेम ऑफ चर्च, मीन्स के जो है वो रिलीजन के नाम पर भी जो है फाइट हो रही थी, ठीक है। और उन्होंने रिलीजन को जो है पॉलिटिक्स के साथ इन टच किया हुआ था, लेकिन हमने देखा ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई 1948 में, और फाइनली जो है यूरोप के जो जितने भी वहाँ पे मेम्बरान थे, लीडर्स थे, दे सेट टुगेदर, और उन्होंने फाइनली ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को जो है वो डिक्लेयर किया, और अकॉर्डिंग टू विच आपका जो चर्च है मीन्स के रिलीजन और जो पॉलिटिक्स है ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं और वी कैन नॉट मिक्स इट टुगेदर, ठीक है। और हमने फिर देखा कि यूरोप में कोई इतनी बड़ी वॉर हमने दोबारा जो है एक्सपीरियंस में नहीं आई अनटिल एंड अनलेस के 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो है वो हमें कॉन्सेप्ट मिलता है, लेकिन वो चर्च के नाम पे नहीं थी, वो एक जनरली वॉर जो है डिफरेंट उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, ठीक है। लेकिन हमने ये देखा कि रिलीजन को और स्टेट को मीन्स के पॉलिटिक्स को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया। फर्दर फीचर्स ऑफ सॉवरन नेशन स्टेट सिस्टम, कुछ फीचर्स हैं नेशन स्टेट सिस्टम के, ठीक है। फर्स्ट सॉवरेनिटी ऑफ नेशन स्टेट, सबसे पहले ये है कि नेशन स्टेट सिस्टम के लिए खुद मुख्तारी ज़रूरी है। आपकी स्टेट है, आप खुद मुख्तार हैं, आप डिटर्मेंट हैं आप अपने फैसले करने में, ठीक है। आपको सॉवरन राइट्स हासिल हैं कि आप अपने स्टेट के लिए फैसला करें, डिसीजन लें, और वो डिसीजन लें जो कि आपकी स्टेट को फेवर करे और जो कि आपकी जो है वो नेशन को फेवर करे। सेकंड, बहुत इम्पोर्टेंट, नेशनलिज्म एज द फिलॉसफी ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम, कि नेशनलिज्म जो है मींस के फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, ये भी ज़रूरी है। ये लाइटर मोड में मैं आपको बता रहा हूँ नेशनलिज्म का, बिकॉज नेशनलिज्म का आगे चल के जो मतलब है वो बहुत वास्ट इसका मीनिंग है, तो अभी सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि नेशनलिज्म एज द फिलॉसफी ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम, ठीक है। मीन्स के नेशनलिज्म फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, आप अपनी स्टेट को फेवर करो, आप अपनी नेशन को फेवर करो, यू शुड बी लॉयल टू योर स्टेट एंड टू योर नेशन। देन आपके पास कुछ टेरिटोरियल राइट्स हो रही है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है, ठीक है। ये भी बड़ी जो है ज़रूरी बात है कि आपकी जो है वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कोई चैलेंज ना करे। यू आर सॉवरन, आप सॉवरन हैं, आप खुद मुख्तार हैं, कि अगर आपकी कोई टेरिटरी को चैलेंज करता है या आपकी नेशन को कोई हार्म पहुँचाने की कोशिश करेगा तो अल्टीमेटली आपकी स्टेट के पास ये राइट होगा कि आप उस अटैक को या इस किस्म की मैंटेलिटी को डिटर करो, मीन्स के कंटेन करें, ठीक है। उसको जो है डिफ्यूज करो, ऐसी सिचुएशन को ख़त्म किया जाए फौरन, ठीक है। तो आपके पास टेरिटोरियल राइट्स होते हैं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सॉवरन होना ये भी ज़रूरी है नेशन स्टेट सिस्टम के लिए। देन लीगल इक्वलिटी है, सॉवरन इक्वलिटी ऑफ ऑल नेशन स्टेट्स, आपको जाहिर बात है लीगल इक्वलिटी भी ज़रूरी है नेशन स्टेट के लिए कि वी ऑल आर इक्वल, ठीक है। वी ऑल आर इक्वल, सारी कम्युनिटीज इक्वल हैं, नेशन इक्वल है, लेकिन ये याद रखिए कि कोई चीज़ भी अबव द लॉ नहीं है, ठीक है। आपकी नेशन अबव द लॉ नहीं है, आपकी स्टेट अबव द लॉ नहीं है, आपका जो है आपने नेशन ने भी लॉज को फॉलो करने और आपकी स्टेट भी लॉज को फॉलो करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनसाइड द स्टेट अगर आप नेशन में कम्युनिटी है आपकी, तो हम लोग क्योंकि हमारे पास लॉज होते हैं और हम उन लॉज को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। और अगर लॉज को फॉलो नहीं करेंगे बीइंग अ नेशन, तो हमारे पास जो है फिर जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, राइट, जो कि हमें जो है एंड वी वी शुड देन वी विल आंसर देम, ठीक है। हमारे पास फिर ये जो है हम बाउंड होंगे कि हम उनको आंसर करें। ऑन दी अदर साइड अगर हम देखें तो नेशन स्टेट्स, ठीक है, और स्टेट्स भी जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ को जो इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी पाबंद है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टेट जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो है वो इंटरेक्शन कर रही होती है तो इंटरनेशनल लॉ भी उसके ऊपर क्या है, लागू होता है, ठीक है। तो इस वजह से कहा जाता है कि लॉज जो हैं वो तमाम लोगों के लिए इक्वल हैं, स्टेट के लिए भी और आपकी जो सोसाइटी है उसके लिए भी।
सो आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा इंशाल्लाह, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई आपकी क्यूरीज हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, और आप जो है व्हाट्सएप चैनल को लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो है लेटेस्ट वीडियोस जो है वो इससे रिलेटेड मिल सकें इंशाल्लाह। नेक्स्ट जब हम आएंगे नेक्स्ट मीटिंग में तो इस टॉपिक को जो है फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।